हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हमसे शायद कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा, हमारा ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है, हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके हैं, हमने सब कुछ कोशिशें कर ली। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा भाइयों, देखो आप अगर ये बात कहते हो ना कि मैंने सब कुछ कोशिशें कर ली, तो नहीं, ये बात झूठी है। कोशिशें आपको सबसे पहले तो करते रहना है, ये नहीं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। देखिए आपका मन आपको लगातार रोकता है, आपका मन आपका रास्ता हमेशा रोकेगा, वो पूरी कोशिश करेगा आपको रोकने की, लेकिन आपको अपने मन के साथ करनी है ज़बरदस्ती। किसी काम में मन नहीं लगता तो ज़बरदस्ती अपना मन लगाओ उस काम को करने में। समझ रहे हो मेरी बात को मेरे भाई? क्या है कि बहुत लंबा समय हो चुका हस्त मैथुन करते हुए आपको, 5 साल 10 साल, तो 5 साल 10 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक आदत आपकी बन चुकी है। अब उस आदत को दूर करने में भी एक लंबा समय लगेगा। अगर ब्रह्मचर्य मात्र आसान होता, 2-3 दिन का खेल होता, महीने भर का खेल होता, तो सब लोग ब्रह्मचर्य पालन कर लेते और उस दुनिया में कोई अपराधी ना होता, राम राज्य आ जाता। लेकिन ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी तपस्या है, इतना ये आसान नहीं। अगर कोई भाई इसको मजाक में लेता है कि बस वीर्य रोको और ब्रह्मचर्य का पालन करो, सिर्फ मजाक मजाक में ले रहा है कि बस सब कुछ करो, मन मौज मौज मस्ती करो, कोई नियम का पालन मत करो, तो आप गलतफहमी में हो। क्योंकि तो ब्रह्मचर्य तपस्या है, ये आपके शरीर में एक ऊर्जा को जनरेट करता है, एक ऊर्जा आपके अंदर आती है जो आपको बहुत सफल बना सकती है, बहुत कुछ आपको दे सकती है इस जीवन में। लेकिन वही बात है, जब वो ऊर्जा आपके अंदर आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, आपको लगेगा कि आपसे शायद ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा, बहुत लोड लगेगा आपके ऊपर। लेकिन बस आपको हार नहीं मानना है मेरे भाई, ठीक है? हम लगातार आपका मार्गदर्शन करेंगे, बहुत सारे वीडियोस हमारे आने वाले हैं, जल्द और भी वीडियो आएंगे, बहुत सारे टॉपिक पर हम बातें करेंगे, साथ ही साथ अध्यात्म के ऊपर भी हम अब वीडियोस लेकर आएंगे, अध्यात्म पर बात करेंगे ताकि सकारात्मकता की ओर हम बढ़ें और बहुत सी चीज़ें इतिहास की हमें जानने को मिले। तो मेरे भाइयों, बस हार मत मानना, मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।